सी आई ई -E टी एन सी ई -E आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आस पास का पाठ चार खाएं आम बारहों महीने पृष्ठ पैंतीस कुछ बच्चे खाने के डिब्बे में खाना देखते हुए कुछ बातें कर रहे हैं नीतू बोली अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है अमन बोला नीतू आलू की सब्जी लाई है प्रीति ने कहा मैं भिंडी लाई हूँ अमन ने कहा नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं प्रीति बोली हाँ इन्हें मत खाओ कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए अरे तुम ये भिंडी ले लो ना चर्चा करो अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता पृष्ठ छत्तीस लिखो रसोई घर में से खाने की कुछ चीजें चुनकर लिखो जो दो तीन दिन में खराब हो सकती हैं हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी महीने भर तक खराब नहीं होंगी अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी क्या बदलेगा तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो बीजी ने लौटाई ब्रेड अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई दुकान पर काफ़ी भीड़ थी जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी पता करो खाने की किन्हीं दो चीजों के पैकेट देखो पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो पृष्ठ सैतीस खाना कैसे होता है खराब प्रयोग पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करे रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने पर तालिका को रोज़ भरो दिन एक ब्रेड में बदलाव छूने से गंध से हैंडलेंस से देखने में रंग में इसी तरह छः दिन की तालिका बनाओ पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है उसकी सूची बनाओ पृष्ठ 38 दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय हैं खाने की चीजों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो चीजें दूध पके हुए चावल हरा धनिया प्याज लहसुन घरेलू उपाय एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं दूसरा उपाय गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं उपाय तीन उबालते हैं उपाय चार खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामीडी तांड्रा चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयापुरम गांव में रहते हैं छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं वे आम का अचार भी तीन चार तरीके से बनाती हैं आम का यह अचार साल भर तक चलता है अगले मौसम के आने तक एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा अम्मा, इतने सारे आम पके रखे हैं उनका मामिडी तांड्रा यानी आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा यह तो चार हफ्तों का मेहनत वाला काम है अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांड्रा बनाएंगे भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए वहाँ से चटाई कैजूरिना पेड़ के डंडे नारियल से बनी रस्सी गुड़ और चीनी खरीद कर लाए पृष्ठ उनतालीस अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा, जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला फिर एक बड़े ऐसे बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें पृष्ठ चालीस चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला उसमें चीनी गुड़ डाला फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा कर दी चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा दोनों ने मिलकर ऐसी ही कई परतें जमाई अगले चार हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। चार हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत पर परत पर 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 चार सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी कुछ दिन बाद भानुमति ने कहा अब आम पापड़ तैयार है कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा चिन्ना बाबू बोले वाह मज़ा आ गया आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें लिखो आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे भाइयों ने मामिडी तांड्रा कैसे बनाया अलग अलग चरण समझाओ पृष्ठ इकतालीस तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है सूची बनाओ तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करो पता करो और चर्चा करो क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है कौन सा अचार? कौन बनाता है उन्होंने ये तरीका किससे सीखा तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है अचार बनाने का क्या क्या तरीका है पापड़ चटनी बढ़िया सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में दो दिन लगते हैं अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे उसको पैक कैसे करोगे सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ सबसे पहले क्या खाओगे हम क्या समझे शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है क्यों अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार आम पापड़ चटनी टॉफ़ी रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं खाएं आम बारहों महीने अभी आप सुन रहे थे कक्षा पाँच की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का चौथा पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत